जिला बनाओ संघर्ष समिति के सैकड़ों युवाओं नगर में चलाया हस्ताक्षर अभियान, नगरवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर किया अभियान में भाग। खनिया थाना को जिला बनाए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। जिला केंद्र से अधिक दूरी होने की वजह से खनिया थाना क्षेत्र के किसान और व्यापारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि कोई आम नागरिक गंभीर घायल या बीमार हो जाता है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र खनिया थाना से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अधिक दूरी होने की वजह से कई घायल और बीमार क्षेत्र वासियों की बिना इलाज के ही मौत हो जाती है। ऐसे ही अन्य कई परेशानियों को देखते हुए खनियाधाना एवं पिछोर क्षेत्र के हजारों युवाओं ने पंजाब सिंह यादव की अगुवाई में जिला बनाओ संघर्ष समिति का निर्माण कर विगत 10 दिनों में क्षेत्र के दर्जनों गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और लोगों को अपने इस अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस क्रम में आज सैकड़ों युवाओं को साथ लेकर पंजाब सिंह यादव ने खनियाधाना नगर में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें नगर के वरिष्ठ एवं गणमान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गोविंद बिहारी मंदिर से प्रारंभ होकर युवाओं के इस काफिले ने पूरी नगर में गली गली घर घर पहुँच कर नागरिकों को इस अभियान में जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया। अभियान में जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको खनिया थाना जिला बनेगा? देखिए, हम अभी 8वां दिन था आज और गाँव गाँव जाकर जनसंपर्क किया है और 2000 लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। हमारी मांग है, पहली प्राथमिकता है कि खनिया थाना बने। अगर खनिया थाना पिछोर में से इस बार जिला बनना ही चाहिए, पहली प्राथमिकता है कि खनिया थाना को महत्व दिया जाए, क्योंकि यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इसी भूमि पर रुके थे और राजा खलक सिंह जूदेव महाराज भी खनिया थाना के ही थे। तो पहली प्राथमिकता, और वर्षों से रियासत भी रही है खनिया थाना, तो पहली प्राथमिकता खनिया थाना को है। इसके बाद अगर सरकार को अच्छा लगे तो पिछोर में भी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी। अभी अभी इस अभियान में कितने युवा जुड़े हैं? 2000 लोग अभी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। 2000 से 3000 लोगों का हस्ताक्षर हम लोगों ने ले लिया है गांव-गांव जा जा। और आगे आगे क्या उम्मीद है? आगे हम सरकार से पिछोर में चलाएंगे, इसके बाद पूरे उसमें, और अगर नहीं बनता है तो 10 और 20 हजार लोगों को लेकर हम भोपाल पैदल यात्रा करेंगे और CM हाउस का घेराव करेंगे जिले की मांग को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? मैं बलवीर राजपूत। बलवीर भाई, आप ये पंजाब सिंह भाई साहब जी के साथ में अभियान में हैं, तो आपका क्या मानना है, खनिया थाना जिला बनना चाहिए? बिल्कुल बनेगा, और ये अकेले भाई साहब की आवाज़ नहीं है, उनके साथ, उनके पीछे हजारों युवा साथ में चल रहे हैं और हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारा तो नारा ही बन गया, कदम से कदम मिलाना होगा, कदम मिलाना होगा, जिला बनाओ, जिला बनाओ। अच्छा, ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनकी वजह से खनिया थाना जिला बनना चाहिए? भाई साहब, आवश्यकताएं तो इतनी हैं, जैसे छोटी सी बीमारी हो जाए तो वाकिला हमें ग्वालियर, शिवपुरी, झांसी, भगने पर, यहाँ से 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है, अगर नहीं जा पा तो गले में मर जाऊँ। तो इसलिए आवश्यक है कि हिना जिला बने और एक से एक सुविधाएं यहाँ पे आए। अच्छा, अभी सैकड़ों की संख्या में युवा साथ में जुड़े हुए हैं पंजाब सिंह भाई साहब के, आगे क्या अंदाजा लगता है आपको कि और कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं? आगे हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि हम लोग 1000 नहीं 50000 होंगे और इसी विधानसभा से होंगे, और हमारी आवाज जिला तक नहीं, संभाग तक होगी और दिल्ली तक होगी। पिछोर खनिया थाना जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वान में पिछोर खनिया थाना को जिला बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, जो गांव-गांव हमारी नौजवान टीम, जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं, वो गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं। और इससे मैं समझता हूं कि अभी हम 7-8वां दिन हैं, इन 8 दिन में एक गांव में कम से कम एक दिन में हम लोगों ने 7 से 8 हजार इतने लगभग हस्ताक्षर कराए, और लोगों के दिमाग में, लोग ये कह रहे हैं कि आप तो हमें जहाँ कहो जैसे कहो, हमें संघर्ष के लिए, जिला बनाने के लिए हम हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, अगर ये सारा अभियान देखने के बाद भी प्रशासन कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहा है, जिला नहीं बना रहा है, तो ऐसे में आप फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? हमारा मकसद है कि ये जन जन की आवाज़ बने, शायद हम लोग आवाज़ उठाएं तो लोगों को ये लगे कि कोई राजनीतिक मकसद तो नहीं इनका, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, और ये लोगों को विश्वास भी है, और लोगों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इतने बड़ी विधानसभा में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीन नहीं है खनिया थाने में, और इससे निचले स्तर पर और कमी हम क्या बता सकते, इसलिए हर आम आदमी चाहता, अगर जिला बनेगा तो किसान की ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, जिला बनेगा तो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज होंगे, बेटियों को भोपाल और ग्वालियर से पूरी नहीं जाना पड़ेगा, जिला बनेगा तो यहीं पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, जिला बनेगा तो कलेक्टर भी आपको यहीं जाना पड़ेंगे,
125 किलोमीटर के चक्कर से बचने के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ रेलवे लाइन खुलने की भी उम्मीद आपको मिलेगी यहाँ पर। अभी तक भाई जो कन्यादाना क्षेत्र में ये पूरा अभियान चल रहा है, इसको पिछोर क्षेत्र में ले जाने का आपका कोई विचार है? अभी कन्यादाना लगभग रह गया, दूसरे सत्र में जैसे ही बारिश हो गई है दूसरे सत्र में हम कन्यादाना निपटाएंगे और तीसरे सत्र में हम पिछोर, तो हर एक गांव तक हर एक घर तक पहुंचेंगे हम। जब तक हम घर तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक लोगों को नहीं समझा पाएंगे, तब तक अभी ना तो हम शासन प्रशासन को देखना है कि लोग क्या मांग रहे हैं। चैनल के माध्यम से कहना चाहते कि ये व्यापारियों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़, और ये आवाज़ एक दिन इतनी ताकत से उठेगी कि बड़ी बड़ी सरकारों को भी, लोगों को भी, बड़े बड़े नेताओं को भी इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलानी होगी। जिस दिन सबकी आवाज़ मिल जाएगी, जिला बनाना कोई बड़ी बात नहीं, उस दिन जिला बन जाएगा। धन्यवाद।